नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर बिल्कुल इन सर्दियों के फूलों के साथ जो बिल्कुल जाने की कगार पे ही खड़े हुए हैं। इनकी हालत से आपको पता लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो है या जो प्लांट है वो किसी भी मायने में ये समझ लो डेकोरेशन के लिए तो खैर आप लगाते ही हो, लेकिन उसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत हैं और हर पत्ती का पैटर्न ना आपको अलग मिलेगा। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, जिसको कि एकालीफा प्लांट बोल देते हैं, खलीफा प्लांट बोल देते हैं, कोपर लीफ प्लांट बोल देते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे भी इस प्लांट की कटाई छटाई करनी थी, फिर मुझे लगा आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर करूँ ताकि आपको इस प्लांट को लगाना आ जाए, अगर आपके पास एक प्लांट है तो। क्योंकि ये इतना सुंदर प्लांट है, अगर दोस्तों आप बीच बीच में अपने गमलों के इस प्लांट को लगा के रखते हो और एक बार अगर आप ले आते हो फिर तो आप इसको बढ़ाते ही रहना। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये कितना लंबा और लेगी हो गया है, और बिल्कुल दोस्तों मुझे बहुत भरे भरे से गमले अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है बजाय कि नीचे के। तो मैं इसकी जो कटिंग है उनको भी आपको उगाना सिखाऊंगी और मेरा भी प्रूनिंग का काम हो जाएगा इसका। और सबसे बड़ी बात कि जब भी दोस्तों आप कटाई छटाई करते हो अपने गार्डन में तो आपने उसकी डंडियों को फेंकना नहीं है, आप उससे नए नए पौधे बना सकते हो। कोई आपको नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं है दूसरा प्लांट खरीदने के लिए। अगर आप एक प्लांट घर में अपने ले आते हो तो आप ट्राई किया करो कि यूट्यूब पे वीडियो देख के कि इसको अब आगे हमने कैसे बढ़ाना है कटिंग से। तो भाई मैं भी एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो काफ़ी मोटी स्टेम है ये। तो इस तरीके से मतलब ये समझ लो कि मैं तो चलो काट छाट ही रही हूँ, जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि पौधों की कटाई छटाई का, इससे ना आपके पौधों की ग्रोथ ज़्यादा ही होती है और आपके पौधे पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं कटाई छटाई करने के बाद। कुछ लोग डरते हैं कटाई छटाई करने से कि हमारा प्लांट तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हम क्यों काटे छाटे। तो देखो भाई, प्लांट तो ये भी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब इसकी जब ग्रोथ होगी ना, नीचे से इतना सुंदर लगेगा ये और बिल्कुल पूरा का पूरा गमला भरा भरा सा लगेगा। तो इस तरह से कटाई छटाई करने से आपके पौधे हेल्दी भी रहते हैं, ओवरवेट भी नहीं होते और दूसरा नए नए प्लांट बनाने का भी आपको मौका मिलता है। अभी एक ही प्लांट रहता है अगर मैं इसको छोड़ देती तो, अब इसी से ये जो मैंने इसकी इतनी मोटी सी डंडी काटी है इसमें से ही मैं इसके इतने सारे प्लांट बना दूँ। और बिल्कुल दोस्तों जब भी आपके साथ ये कोई वीडियो शेयर करता है एनवायरमेंट की, पर्यावरण की, या कोई भी आपको इतनी अच्छी बातें बताता है तो ज़रूर आप इसको शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया करो ताकि सभी को ये मेथड पता लगे। क्योंकि बहुत से लोगों को तो दोस्तों ये पता ही नहीं है कि इन डंडियों से भी हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। लोग सोचते हैं कि नर्सरी जाएंगे तभी पौधा लेके आएंगे, तभी हम गार्डन बनाएंगे, या कोई हमारी गली में पौधे बेचने वाला आएगा तभी हम उससे लेंगे, तभी प्लांट रखेंगे। उसके बजाय दोस्तों हमें ये छोटी छोटी सी टेक्निक अपना के अपने घर में ही इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कर लेनी चाहिए ताकि ये एनवायरनमेंट वगैरह का तो इशू बिल्कुल रहे ही ना, जो कि हमारे बिल्कुल सबके अपने हाथ में है। तो भी ये देखो कितनी सुंदर डंडी है ये, इसको कैसे फेंक दें बताओ, है ना। और सारी की सारी मैच्योर डंडियाँ हैं, ये सब ही प्लांट बनने लायक हैं। तो बस इसकी जो ये सॉफ्ट वाली डंडियाँ हैं ना, ये मैं हटा देती हूँ ताकि इसका वेट कम हो जाए इस डंडी का, ताकि ये जो ग्रोथ है वो लीव्स को ही ना दे बल्कि रूट बनाने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाए। और जैसे कि आप कहते हो कि मैम गर्मी है तो क्या हम कवर कर दें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों जो लोग हैं वो बड़े ड्राइड इलाकों से बिलोंग करते हैं, राजस्थान वगैरह से, तो इसके लिए आप बिल्कुल मत ढका करो, ऐसी छायादार सी जगह पे लगा के डंडी को और उसको ना ऊपर से नेल पेंट से, वैक्स से या पीओपी का घोल बना के उससे ना कवर कर दिया करो, जो भी मतलब आपके पास अवेलेबल हो। कोई आदमी उगा रहा है तो क्या पता उसके पास नेल पेंट ना हो तो वो वैक्स टपका के भी उस स्टेम को लॉक कर सकता है, या पीओपी का घोल बना के भी, एंटी फंगल होता है पीओपी दोस्तों, तो उससे भी अपनी स्टेम को कवर कर सकता है ऊपर से। इसके बाद आपको मतलब ये कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हल्का सा हम नीचे से स्क्रैच कर देते हैं क्योंकि मोटी डंडी है काफ़ी, ताकि रूट्स को निकलने में आसानी हो। हल्का सा स्क्रैच करने पे ये जो इसकी मोटी परत है ना, ये थोड़ी सी हट जाएगी और रूट्स बनने में आसानी होगी। तो देखो एक एक कटिंग तैयार हो गई है।
तो मैं आपको यही लगा के दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। और साथ साथ में स्केटियर को भी बंद करते जाना है आपने, ताकि हाथ में ना लग जाए गलती से। तो पहले मैं आपको यही लगा के दिखा देती हूँ, बाकी मैं आराम से फिर यहाँ टेबल पे अपने काम करती रहूंगी। तो बस लॉक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, फिर आपकी स्टेम सूखेगी भी नहीं और जल्दी से ही रूट बनने के प्रोसेस पे आ जाएगी। और तीनों ही चीजें दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं, एंटी फंगल हैं और आपकी स्टेम के जो मॉइस्चर है ना उसको लॉक करने में मदद करेंगी, फिर इसका मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। अब देखो मैंने कौन सी जगह ढूंढी है ना, बिल्कुल यहाँ मनी प्लांट, बिल्कुल बड़ा ये समझ लो सोगी सा एनवायरमेंट है यहाँ पे, छुपा छुपा सा। और ऐसे ही गर्मियों में आपने छुपा के कटिंग लगानी है। तो जब भी आप एवरग्रीन प्लांट की कटिंग पूछते हो मुझसे, मैम कब लगाएं, तो आप भाई कभी भी लगा सकते हो, कभी भी। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बरसात में लगाओगे, बरसात के बाद लगाओगे या ऐसे लगाओगे, ऐसे कभी भी आप लगा सकते हो। तो मुझे तो खैर लॉक करने की जरूरत नहीं है कटिंग को, यहाँ ये एनवायरमेंट ही अच्छा। और भी मैं आपको अपनी चलती हुई कटिंग दिखाऊंगी जो बड़े आराम से चल गई है, तो इसको कोई लॉक करने की जरूरत नहीं है, मॉइस्चर इतना बना रहता है। और बड़ा मनी प्लांट वाला एरिया है यहाँ, मैं वैसे भी छिड़काव करती रहती हूँ, तो यहाँ इसको छाया भी मिलेगी और ये बड़े आराम से उगेगी। और भाई ये देखो मिर्चों के प्लांट, मुझे खुद भी नहीं पता था इतनी अच्छी मिर्चें लगेंगी इसपे, मैं इसपे से तोड़ती भी रहती हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिर्चें लगती हैं इसपे। और कोई दोस्तों मैं बीज नहीं लाई थी, किचन में जो मिर्चें हमारी सूख जाती हैं मैंने उसके बीज ही स्प्रिंकल किए थे। और ये देखो कितने अच्छे मिर्ची के प्लांट हो गए है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम चटनी बनाते हैं, सब्जी में डालने के लिए मिर्च नहीं होती है ना, तो हमारे घर में ही अगर इस तरह की मिर्ची हो तो फटाफट से हम जाते हैं और तोड़ लेते हैं। और ये मेरी अपराजिता की बेलें भी तैयार होने लगी हैं, मैंने इनको डंडे लगा लगा के ना इस तरह से इनको एक सपोर्ट सी दे दी है ताकि अच्छी तरह से फैले। और भाई ये रिजल्ट देखो कटाई छटाई का है ना, ये गोरी चोरी का आपने पहले भी प्लांट देखा है, इसमें तीन चार ही स्टेम्स थी और जब मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी, और देखो कितनी हैवी ग्रोथ हो रही है इसकी है ना, और कितना भरा भरा सा गमला लग रहा है अपना, हेल्दी सा। तो जब आप कटाई छटाई करते हो ना आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रखते हैं। और देखो ये गमले में ही लगा हुआ है और देखो कितना कितना फैल गया है ये। और गर्मियों में दोस्तों हमें इसी तरह के पौधों की जरूरत है ताकि वो एक दूसरे को कवर करके एक दूसरे को गर्मी से बचा सकें। और ये देखो लैंटाना, इसकी भी मैंने कटाई छटाई की थी, इसकी नई नई कटिंग्स लगाई थी, इसमें फूल आने लगे हैं मैक्सिकन पेटूनिया में। और भी दिखाती हूँ आपको अलग अलग चीजें। ये देखो ये मैंने हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी, चल पड़ी, हिबिस्कस जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे नीचे मैक्सिकन पेटूनिया गमले को ढक लेगा, मल्चिंग का भी काम करेगा। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो सुंदर रूपा की कटिंग लगाई थी, ये भी चल पड़ी है और इसके साथ ये हिबिस्कस लगा हुआ है, दोनों मिलके अच्छे चलेंगे। ये व्हाइट वाला हिबिस्कस है, व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये देखो ये भी हिबिस्कस की है, ये भी कटिंग चल पड़ी है ना, अब सारा गमला भर लेगी ये। और नीचे देखो ये भी हिबिस्कस की है, ये दूसरी तरीके का हिबिस्कस है और वो दूसरे तरीके का, तो जब दोनों के फूल खिलेंगे तो अच्छे लगेंगे, एक डबल वाला है एक सिंगल वाला है। और ये खजूर के प्लांट तो भी मेरे अपने बीज से बनाए हुए हैं सारे, जो हम खजूर खा के गुठलियां फेंक देते हैं ना, इसका वीडियो आप जरूर देखना कैसे खजूर उगाते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीका है इसका, उस तरीके से उगाना। और ये सारे प्लांट देखो ये टाइगर रोज है, बेचारे के छोटे फूल आ रहे हैं, गर्मी होगी है ना, लेकिन चलो फिर भी फूल तो दे ही रहा है। और ये एडिनियम भी नए नए पत्तों से भर गया, अब इसमें फूल भी खिलेंगे, बर्ड्स भी आएंगी। और इसमें भी दोस्तों टब में मैंने नई नई कटिंग लगा दी है और बिल्कुल जो पेटूनिया या डैंथस वगैरह इसमें लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए, और ये कैलन कोई के मैंने छोड़ दिए हैं। पहले इस पे येलो फ्लावर आ रहे थे, अब इसमें रेड वाले तैयार हो रहे हैं। और ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं, ये बोगनविला भी मैंने कटिंग से उगाया था, फिर कटाई छटाई की मैंने इसकी खूब और अब फूल आने लग गए हैं। और भाई कोई पूछ रहा था आपके अंगूर की बेल दिखाओ, उसमें अंगूर आ रहे हैं नहीं आ रहे, अभी देखे तो थे मैंने दो चार दिन पहले, लग तो रही हैं, अगर बंदरों की नजर से बच गए इतना तो ये लग जाएंगे। ये देखो और भी दिखाती हूँ, मैंने देखे थे कई जगह लगे हुए इसके, क्योंकि ना ये बेल एक्चुअली बंदर गिरा गए थे और फिर मैंने इसको सीधा किया, मुझे भी डर था, मैंने कहा सारे खराब कर गए होंगे वो, तो हमारे यहाँ भी बंदरों का बहुत चक्कर है। ये देखो लगे हुए हैं ना कई, बहुत जगह लगे हुए हैं, तो अच्छी चल रही है बेल भी, कोने से में लगा रखी है मैंने मधुमालती के साथ, आप देख रहे हो, तो सपोर्ट भी मिल रहा है इसको, एक दूसरे की बेल का साथ भी मिल रहा है, तो उम्मीद है
आज आपको इतना सुंदर पौधा लगाना आ गया होगा, अब बिल्कुल भी आप एक प्लांट लाने के बाद दूसरा नहीं लाओगे, अपने आप से ही बनाओगे नए नए प्लांट। और बिल्कुल दोस्तों, चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जो भी मेरा बहन भाई इस तरह की वीडियो बनाता है, उन सबको आप लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो बस थैंक यू सो मच इन प्यारे प्यारे बेबी सनरोज के फूलों के साथ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।